आज हम लोग बात करने वाले हैं मैं क्यों कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। मेरा कॉलेज खुल चुका है, मेरा क्लास स्टार्ट हो चुका है 1 महीने पहले, और मैं अभी तक क्यों हूँ इधर। तो मैं पिछले 1 महीने से घर में पड़ा जो हूँ, बस एक ही फायदा हुआ है गाइस, मेरे को दीदी लोग बोल रहे हैं या फिर जीजू लोग बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा गोरा हो गया हूँ बोल के। क्या बोलते हो आप? सुनो तो, स्कूल गए थे कि नहीं? हाँ गए थे। क्या क्या किए? Hey guys, welcome back to the new vlog guys. तो आज का डेट है 23 अगस्त 2023। तो यार अभी का टाइम हो रहा है 11:30 के आसपास, और मैं अभी जस्ट ना आया हूँ। ठीक है, तो पहला मेरे को थोड़ा रेडी हो जाने दो, फिर बात करेंगे। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे गाइज। तो मैं पहला रेडी हो जाता हूँ और आप देखते रहो थोड़ा सा, दो मिनट में आया गाइज, बने रहो व्लॉग में। सजना जी मैनु छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी। तो भाई लोग और उनके प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बहन लोग, तो आपको मैं बता देता हूँ आज किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे बोल के। तो गाइज आपको थंबनेल देख के पता पहले से लग गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं मैं क्यों कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा कॉलेज खुल चुका है, मेरा क्लास स्टार्ट हो चुका है 1 महीने पहले, और मैं अभी तक क्यों हूँ इधर, घर पे बैठा हूँ, घर पे लेटा हूँ, घर पे जो भी कर रहा हूँ, घर में क्यों पढ़ा हूँ, वो मेन मुद्दा है। तो गाइज आज बस उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज का क्या होता है वो दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप पिछले 2-3 वीडियो देखे होगे, अगर नहीं देखे हो तो ये वाला देख लो, आप लोग को पता चल जाएगा कि मेरे को क्या हुआ था, किस वजह से मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुआ था। तो गाइज अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको डिटेल पता लग जाएगा। ठीक है, तो गाइज मेन बात यह है कि मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रहा हूँ 1 महीने से। तो मेन बात यह है कि मैं हॉस्पिटल से आने के बाद मेरे को डॉक्टर बोला नमक नहीं खा सकते, बिना नमक के खाना पड़ेगा, बॉयल चीज खाना पड़ेगा, और बिना मसाला के 6 महीने तक खाना पड़ेगा, बस बिना सॉल्ट के 2 महीने तक खाना पड़ेगा, और 6 महीने तक बिना मसाला, बिना स्पाइसी या फिर बिना हल्दी के खाना पड़ेगा बोल के। तो गाइज अगर इस कंडीशन में अगर मैं हॉस्टल चला जाता तो मेरे को क्या मिल पाता, घर का खाना, मतलब बॉयल खाना मिल पाता क्या? अगर हॉस्टल चला जाता तो मेरे को वही नमक वाला खाना खाना पड़ता, और मसाला तो होता ही है, तो वही वाला खाना खाना पड़ता, और मेरा तबीयत या फिर हेल्थ और फिर से बिगड़ जाता। तो मैं नहीं चाहता था और मेरे घर वाले नहीं चाहते थे, इसलिए मेरे को रहना पड़ा गाइज 1 महीने तक, और बोर होता रहा और पड़ा हूँ बस घर में। ठीक है, तो मेन बात वही है, अगर आपको पता नहीं है कि मैं अपना डाइट मेंटेन कैसा कर रहा हूँ, कैसे कैसे चल रहा है मेरा खाना पीना, तो ये वाला वीडियो, ये जो दिख रहा होगा ये वाला वीडियो मेरा चैनल में है, पड़ा है, जाके देख लो, आपको पूरा डाइट मेंटेन मेरा पता चल जाएगा कि क्या क्या खा रहा हूँ बोल के। ठीक है, तो गाइज ऐसा कुछ बात है कि मेरे को इतना दिन हो गया मैं बस पड़ा हूँ घर पे, एक संडे या फिर किसी दिन 15 दिन में एक बार गए थे हम लोग चित्रकूट, चित्रकूट वाला ब्लॉग देखे हो, नहीं देखे हो तो वाला भी देख लो जाके, तो वाला देखोगे तो एक ही दिन बस घूमने गए थे और बाकी दिन घर पे पढ़ा हूँ गाइज। तो मेरे को बोर लग गया है, मैं कॉलेज में हूँ, कॉलेज में घूमना फिरना, कॉलेज जाना, क्लास करना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना उठना, जो हम लोग करते थे, बातचीत करते थे, वाला मिस कर रहा हूँ गाइज, बहुत ज़्यादा मिस हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो हम लोग जो हॉस्टल में रहते थे, बहुत सारा बातें होते थे दोस्तों के बीच, और रात को जो नहीं बोलते हैं क्या, बक और डेक्स, तो आप समझ जाओ, मैं स्लैंग्स या फिर गाली नहीं देना चाहता मेरे चैनल में, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि क्या होता है, हम लोग दोस्त जब 4-5 दोस्त जब बैठते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं, तो वो समझ जाओ गाइस, मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा। तो वही वाला सब मिस कर रहा हूँ गाइस, बहुत बहुत दिन हो गया है घर पे पड़ा हूँ, लेटे लेटे बस मेरा दिन गुजर रहा है। और एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, बिग बॉस 13 मैं नहीं देखा था, तो बिग बॉस फैन हूँ गाइस, इस बार बिग बॉस जीता, बिग बॉस OTT Season 2 जीत गया एलविश यादव, एलविश आर्मी जिंदाबाद। तो गाइस मैं भी एक एलविश आर्मी हूँ, मैं भी एक एलविश का फैन हूँ बहुत बड़ा, तो वैसा कुछ चल रहा है। और बिग बॉस 13 मैं नहीं देखा था, वो वाला भी सुपर हिट हुआ था तो वाला देख रहा हूँ, कंप्लीट कर लेते हैं इधर। मैं दीदी के घर में हूँ जगदलपुर में, तो पास में एक वाईफाई वाला है, तो 1.5 GB तो काम आता नहीं है, तो उधर जाता हूँ, रोड में थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ और देख देता हूँ, सब खत्म। ठीक है,
तो वही वाला सीन है गाइस कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ बोल के। अगर हॉस्टल चला जाता तो मेरे को खाना पड़ता नमक और फिर से तबीयत खराब हो जाता। तो 1 महीने से बिना नमक के खा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। आज कल ही स्टार्ट किया हूँ मैं अपना खाना, मतलब थोड़ा सा नमक डाल के, डॉक्टर बोला थोड़ा सा नमक डाल सकते हो 1 महीने बाद, तो मैं अभी खा रहा हूँ थोड़ा बहुत। और मसाला तो 6 महीने के लिए बंद है, तो राखी आ रहा है। तो गाइज मेरे तो चार चार दीदी हैं, तो राखी जो आ रहा है मेरे को छोड़ नहीं रहे। मैं चला जाऊंगा बोल रहा था लेकिन छोड़ नहीं रहे घर में, राखी के बाद ही जाना पड़ेगा मेरे को। तो बहुत जल्दी जाएंगे, बहुत सारा कंटेंट लाएंगे आप लोग के लिए, बहुत 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 सारा चीज सोचा हूँ गाइस, ठीक है, और आपको एंटरटेन करता रहूंगा। तो वैसा कुछ सीन है। और तो गाइस बने रहो आज, और आज क्या क्या होता है थोड़ा बहुत घर में, क्या क्या मस्ती करते हैं या फिर क्या क्या करते हैं वो दिखाता हूँ आपको, और आपको एंटरटेन करते हैं। तो दोस्तों मैं पिछले 1 महीने से घर में पड़ा जो हूँ, बस एक ही फायदा हुआ है गाइस। मेरे को दीदी लोग बोल रहे हैं या फिर जीजू लोग बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा गोरा हो गया हूँ बोल के। क्या बोलते हो आप लोग, देख के बताना कि कैसा लग रहा हूँ बोल के। पहले तो हम लोग काला थे, काले थे, क्या करे गाइस, हम इंडियंस हैं तो फिर कोई बात नहीं, तो काले लोग बुरे नहीं दिखते, ठीक है। तो गाइस मैं थोड़ा गोरा हो गया हूँ या नहीं बताना, मैं कोई फिल्टर विल्टर यूज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सही में बता देना कि कैसा लग रहा हूँ बोल के। तो उधर जाते हैं, आपको बालकनी में दिखाता हूँ कि आज का वेदर क्या है बोल के, ठीक है गाइस, बने रहो ब्लॉग में। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि आज का वेदर, मौसम बढ़िया है एकदम से। बारिश का सीजन चल रहा है, मानसून चल रहा है, तो एकदम खतरनाक बारिश हो रहा था अभी। ये देखो गाइज नाला भर गया है, ये देख रहे हो, ये तो पूरा भर जाता है और ये अंदर चला आता है जीजू लोग के घर पे, और ये पानी जा रहा है उधर। वो वाला है दलपत सागर जगदलपुर का, तो दलपत सागर उधर ना एकदम अच्छा बना है, मतलब जहाँ पे कि जाके हम लोग नहीं बनाते हैं क्या, एकदम मस्त बन गया है दलपत सागर, जहाँ पे कि हम लोग जाके फोटो वोटो ले सकते हैं या फिर बढ़िया 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 मतलब व्यू है उधर, तो वैसा बनाया गया है। तो आज का वेदर कुछ ऐसा है गाइस, बारिश का मौसम है और सुबह बारिश हो रहा था और अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वैसा कुछ सीन है, अभी हो रहा है टाइम 12 बजने वाला है, तो 1 बजे के तरफ हम करेंगे लंच। तो गाइज बने रहो ब्लॉग में, अगर कुछ मस्ती वस्ती करते हैं तो दिखाते हैं आपको, ठीक है गाइज, बने रहो ब्लॉग में। सो गाइज मैं आ गया हूँ नीचे अपने रूम से और खाना खाने के लिए बैठ गया हूँ। देखोगे आप खाने में क्या है, ये देखो गाइस बस राइस और दाल। आजकल दाल मतलब आजकल दाल खाना स्टार्ट कर दिया हूँ, डॉक्टर बोला है इसलिए थोड़ा सा नमक डाल के। तो वैसा कुछ सीन है, अभी खाएंगे हम खाना, लंच करेंगे और सब्जी बनाएं। ये देखो गाइस ये दीदी का है, ये क्या है, बरबट्टी और आलू और सॉरी बीन्स है ये, और उधर पत्ता गोभी। तो गाइज इधर हम दोनों खा रहे हैं भाई बहन, और ये आलू देख के मेरे को ना अलग लग रहा है, आलू देख के भी ऐसा फीलिंग नहीं होता है क्या, काश मैं खा लेता बोल के, तो वैसा वाला फीलिंग आलू देख के भी आ रहा है। जैसे हम लोग चिकन पकौड़ा अगर देख देते हैं बाहर जाते समय तो खाने का मन कर जाता है, वैसा वाला फीलिंग गाइज। क्या करूँ खाना पड़ रहा है तो खाते हैं गाइज। एक चीज़ तो फायदा है मैं घर पे रह के, जानते हो क्या, आप जो आपको जो बोला था मैं कि गोरा लग रहा हूँ बोल के, दीदी लोग बोल रहे थे गोरा हो गया हूँ बोल के, ये हंस रही है देख रहे हो। तो गाइज मैं घर पे रह के बस एक ही फायदा हुआ है, गोरा हो रहा हूँ और कुछ नहीं, तो लग रहा हूँ कि नहीं बता रहा आप कमेंट में। तो फिलहाल खाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइज। तो दोस्तों हम खाना वाना खा लिए, लंच वंच कर लिए और पेट नहीं भरा एक्चुअली, दाल और राइस कितना खाऊंगा यार बताओ, तो पेट नहीं भरा तो एक एप्पल खाया जाए, ठीक है। तो एप्पल खाते हैं, और अभी मैं तो कुछ नहीं, बस इधर लेटूंगा और मोबाइल देखूंगा गाइस, यूट्यूब नहीं तो बिग बॉस 13, तो वही करने वाला हूँ अभी फिलहाल, तो वही करेंगे, शाम को देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद नहीं शाम को गाइस, अगर कुछ होता है तो दिखाता हूँ। हाय गाइस, और कला पूरी चाहते खानेगा, कैसे हो बोलो, कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो, हाँ आप लोग कैसे हो गाइस बोलो,
आपको गाइस या और ऐसे जाने वाला है क्या क्या खाए खाना में खाना हाँ क्या खाए रोटी और भातू और रोटी खाए और सब्जी सब्जी हाँ नहीं सब्जी नहीं खाए हाँ खाए ना नहीं नहीं खाए अरे नहीं खाए बोलते हैं गाइस क्या क्या बोल रहे हैं मामू और ऐसे बुबा देखना है एक 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 बात बताओ स्कूल गए थे स्कूल गए थे ऐसे ऊपर वाला थे आप सुनो तो स्कूल गए थे कि नहीं हाँ गए थे हाँ क्या क्या किए स्कूल ऊपर स्कूल में खेले स्कूल नहीं खेले की पढ़ाई करने गए थे अरे खेलने गए थे कि पढ़ाई करने गए थे स्कूल हाँ क्या करने गए थे स्कूल खेलने स्कूल में पढ़ाई करने गए थे हाँ वेरी गुड गाइस मेरे पास ना मेरे भांजे आके ऐसे ही लेटे थे और मेरे पास सोए थे लाडू हो रहे थे लाड कर रहा था मैं इनको तो वैसा कुछ सीन है और बोलते हैं वीडियो बनाएंगे बोल के हेलो गाइस करेंगे बोल के तो ऐसा कुछ है गाइस नहीं गाइस ऐसे ऐसा ही है गाइस मत करना हो गया ठीक है बाय बाय। तो गाइस अभी शाम के 7:30 होने वाले हैं और मैं सो गया था एकदम खतरनाक नींद आया तो मैं सो गया था एकदम से और उठा और एडिट कर रहा था बस आज का वीडियो एडिट कर रहा था तो बहुत लंबा हो गया है 10 मिनट के पार हो गया इसलिए आज के लिए बस इतना ही गाइस ज़्यादा लंबा करेंगे तो बोर वैसे भी उतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं था तो फिर भी था क्योंकि मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ तो इन्फॉर्म कर देना चाहिए था आप लोग को भी ठीक है तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कॉलेज क्यों नहीं जा रहा था बोल के तो बता दिया गाइस तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और कुछ दिन बाद मैं घर जाने वाला हूँ फिर जाने वाला हूँ कॉलेज तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और आज के लिए बस इतना ही गाइस टाटा।